हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ GTA वाई सिटी। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक बंदे को चेन सॉ से मारा था, और उससे पता नहीं हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं मिली, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। पेंट से हम लोग यहाँ पे ये पेंट हमने कराया था गाड़ी पे, येलो गाड़ी पे, और हम लोग फिर बच गए। तो पुलिस भी हमारे पीछे पड़ गई थी ना, हमने उस बंदे को मारा था। जब होगा बंदा कोई यार हाई टेक वाला, क्या करे, हाई टेक नहीं मतलब कोई होगा यार ऊंची पहुंच वाला, उसको मारा था हमने तो पुलिस पड़ गई थी। खैर ये तो हो गई। अभी गाड़ी में मैं बैठ ही नहीं पा रहा अपनी, ये येलो वाली में पता नहीं क्यों क्या हो गया, ग्लिच हो गया क्या हो गया, कुछ समझ आ नहीं रही है मेरे को। देखो इधर जाओ, ये आ रहा है आइकन, ये बैठ ही नहीं रहा भाई, बैठ ना भाई, तेरे को क्या हो गया, शर्मा मत, तेरी गाड़ी है या तो पुलिस के सामने नहीं बैठ रहा। नहीं, पुलिस के सामने तो मैंने अभी गाड़ी चुराई है, उससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। एक काम करते हैं, इससे ना इसको थोड़ी सी टक्कर मार देते हैं। अबे यार ये पर पुलिस वाला भी तो है, गिरा, पुलिस तो पड़ने वाली है अब पीछे। छोड़ो भाई, अब पड़ने तो वाली है पुलिस, इस गाड़ी को लेके निकलो। तो गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, पुलिस अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है भाई। अबे छोड़ दे भाई, ये मिशन की जगह पे भी मैं पहुँच चुका हूँ, अब तो छोड़ दे मेरा हाल। इतनी देर से ही पीछे पड़ी हुई है ना भाई, कोई से गाड़ी से उतर के भाई मिशन स्टार्ट करते हैं यार इधर। अच्छा हुआ हो गया भाई मिशन स्टार्ट, वरना तो क्या है पंगे वंगे हो जाते हैं। अभी तक इतनी देर से तो ये पीछे ही पड़े हुए थे मेरे। And park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No, thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. तो गाइस मैंने वो स्किप कर दिया। हमें बेसिकली ना एक बंदे को मारना, बकवास किए जा रहा था यार वो, एक बस बंदे को मारना है हमने, बस वही चलते हैं। इतना मेरे को तो बोरिंग लग रहा था भाई, देखो जो मेरे को लग रही थी बोरिंग चीज़ मैंने वो स्किप कर दी भाई, सी बात है। वैसे हम लोग इधर पहुँच चुके हैं, इसने हमें बोले कपड़े चेंज करने हैं, हमें जाना है कहीं पर। फिर लगता है कोई वही बंदों की फ़ाइट वाइट करानी है चालू वापस से। वैसे इसने हमें अमीर क्लोथिंग शॉप पर भेजा, वरना वहाँ पर तो गरीब सी फीलिंग आ रही थी। तो अमीर वाली शॉपिंग पे आए हम लोग। अभी देखते हैं हमें किधर जाना है, किन बंदों की फ़ाइट करानी है, क्या सीन है। रेड पेंट, अबे ये क्या पहन लिया। अरे ये कपड़े तो अगर मैं ठीक हूँ तो ये कुछ गोल्फ के ही होते हैं शायद, शायद पता नहीं, या तो ये शायद मैकेनिक के होते हैं। नहीं मैकेनिक के नहीं होते यार ये। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, हमें यहीं पर जाना था, ये गोल्फ कोर्ट पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर एक बंदा है, हमें उसे टपकाना है बस, सिंपली बेसिकली यही काम है हमें, एक बंदे को टपकाना है। ये यहाँ पर खेल रहा होगा इधर, ये रहा ये वाला बंदा है, हमें ना इसको टपकाना है भाई। अब आगे अगर ये मैं ठीक हूँ ना तो ये चेनसो तो हमारे पास है, चेनसो है हमारे पास। अच्छा चेनसो इन्होंने लगता है परमानेंटली दे दी है हमें, अब लेंगे वेंगे नहीं। ये ज़्यादा सही है वैसे, बंदों को इजीली मार। अब अगर वो बंदा भागेगा नहीं ना तो फिर ठीक रहेगा, वरना फिर अगर भागा ना वो तो फिर गन वन की ज़रूरत पड़ जाएगी। गन मैंने ली नहीं है वैसे, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो बंदा भागेगा नहीं, अभी पता चल जाएगा। भागेगा तो अपने पास तो है ही ना गाड़ी, इसको पीछे से पकड़ लेंगे भाई। भागेगा तो किधर ही भागेगा, ये पहुंचने तो वाले ही हैं हम लोग। ये येलो सर्कल पे जाना है अपने को, इधर से निकलना है पीछे से ना। मैं ऐसा करता हूँ इसके पास जाता हूँ, यहाँ से यहीं पे गाड़ी रोक के ना हम लोग यहाँ से इसके पास जाते हैं। चेन सॉ लेके भागूंगा तो भाई बहुत ही कम हेल्थ होगी, अगर करीब जाके गाड़ी रोकूंगा ना तो शायद ये भाग जाएगा मेरे ख्याल में। इधर से चुपचाप से ना इसके पास ऊपर निकल लेते हैं, इसको पता भी नहीं चलेगा, भागेगा भी नहीं। अगर मैं ठीक हूँ तो इसने नहीं देखा। हुज दिस गाय बॉयज डील विद हिम। अबे भाग गया यार ये तो, ऊपर से कूद गया भाई साहब। अबे रुक जाओ रुक जाओ। अबे यार इसके बॉडीगार्ड ने पहली हेल्थ लो कर दी 72। अबे ये तो गाड़ी लेके भाग गया, कोई ना अपने पास भी है यार, तीन दिन खड़ी है, बैठो निकल। अबे इसके बॉडीगार्ड हरामखोर निकाल दिया मेरे को, मेरे को पकड़ना उसको, अब पकड़ेगा कौन, ऊपर से मार भी नहीं रहे। अबे कर क्या रहे हो फिर, अबे क्या कर रहे हो, टाइम बर्बाद, काम ही कर ले, मुक्के खा तू, चेनसो से मारूंगा, ले पकड़। अबे एक को मारो तो पीछे से मार देते हैं, अब तो मेरे ख्याल में कोई चॉइस नहीं है मरने के, मरने के अलावा क्या, मर ही गया मैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या मर ही गया भाई, मिशन फेल। तो गाइस मैं वापस से आ चुका हूँ भाई, वो सारा पार्ट स्किप कर दिया था, हम लोग डायरेक्ट वापस से आ चुके हैं गोल्फ कोर्ट पर। और अब आ रहा है मेरे को गुस्सा, क्योंकि भाई ये बंदा पहले भी मेरे साथ एक और बार हुआ है भाई, ये सेम चीज़ हुई, ये बंदा भाग गया। अब मेरे को आ रहा है गुस्सा, मेरे पास एक प्लान है, हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जितनी भी सारी गोल्फ कोर्ट्स है ना, कार उसकी पड़ी हुई है, गाड़ियाँ गोल्फ की, सारी उठा के भाई साइड पे रख देंगे। तो इससे क्या होगा, वो बंदा भाई भाग ही नहीं पाएगा, फिर आराम से इसको मार लेंगे। गन वैसे मैंने उठा ली,
उठाई नहीं उठाई, पता नहीं यार उठाई नहीं उठाई, बट उठाई तो सी यार मैंने वैसे। ये अपने पास होगी यार, उसको जोड़ो यार, अभी हम लोग चलते हैं। वैसे मेरे पास यही आया है आइडिया कि भाई कार्ट सारी ना वहाँ से ला के इधर रख देते हैं, हेल्थ ले लेते हैं, क्योंकि अपनी हेल्थ लो है। ये ज़्यादा इजी रहेगा पता है क्या, आराम से मैं सारी कार्ट्स यहाँ पे ला के रख दूंगा, फिर क्या वो बंदे के पास भागने की जगह नहीं बचेगी, और फिर इजीली जंप मारेगा सीधा मेरे हाथों में गिरेगा, और मैं उसको आराम से चेन सौ से उखाड़ दूंगा, इसकी अंतड़ियाँ अंतड़ियाँ निकाल देंगे। तो गाइस मैंने वो सारा काम तो कर दिया, गोल्फ कोर्ट सारी देखो अब यहाँ से मैंने रख दिया। अब एक वो आखिरी वाली रहती है वहाँ पर, सारी मैंने करीब ही रखी है, ज़्यादा दूर नहीं, बस ये वाली रहती है, इसको भी कर, इसके अंदर तो इसका बॉडीगार्ड बैठा हुआ है। अबे ये क्या, मैं तो गोल्फ कोर्ट कार्ट ले रहा था तो ये क्या हो गया, इसमें भी मतलब हो गया, पर खैर है इसके पास कोई गाड़ी तो है नहीं, हाँ पैदल ही भाग रहे हैं। अबे इसके बॉडीगार्ड तो छोड़े हैं मेरे को, तो मैं उधर से भागूँ ना। हाँ पकड़ पकड़ पकड़, इसको मुक्का मार गिर जाएगा ये के। अबे मार ना, तो एक तो इससे लगते भी नहीं है ना मुक्के। हाँ हाँ मार इसको मार। अबे तीनों बॉडीगार्ड आ गए इसके, तो सही टाइम पर रुक जाओ, चेन सौ आ गए। अबे यारा अबे तो ये धक्के दे देते हैं ना, गिर जाते हैं ना, इससे उठा नहीं जाता, फिर ये मारते रहेंगे, जंप मार जंप मार, निकल निकल निकल, भाग उसके पीछे, भाग भाग भाग। इसको एक चेन सौ से मार दूंगा ना, गिर जाएगा ये मर जाएगा। अबे खाओ एक चेन सौ का, चेन सौ का। अबे यार एक तो मैं बार बार ना ये जंप वाला बटन दबा देता हूँ यार, वो पंच वाले बटन के बजाय वो वाला बटन दबा देता हूँ। इधर ले खा थोड़ी सी। हाँ अब मारा ना ये मिशन पास, $500 एक बंदे को मारने के, यार वैसे कम नहीं है, बंदे की जान ले रहा हूँ यार मैं, थोड़े 1000-2000 डॉलर तो होने चाहिए ना। खैर जो भी यार, अपने को 500 मिल चुके हैं, अब इनके बॉडी गार्ड जाएंगे पीछे, इनको इनको मसला। अबे तुम्हारा मालिक मार दिया मैंने, अब तुम क्या करोगे, है ज़्यादा ही चौड़ मोरा। ले ले इधर खा, इधर ले मर, इधर साले नहीं ना बहुत हो रहा है। तो गाइज अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।